दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वास्तु से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाले हैं। अगर आपने घर में ये बातें ध्यान रख ली, ये 15 बातें ध्यान रख ली, तो आपकी किस्मत दोस्तों चमक सकती है। वास्तु में बताई गई दोस्तों छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दोस्तों दूर हो सकती है। वास्तु के अनुसार घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना दोस्तों शुभ रहता है। यदि आपके घर का दरवाजा ऐसा नहीं है तो मुख्य द्वार पर आप सोने चांदी या फिर तांबे या पंच धातु से बना हुआ स्वास्तिक अगर लगाते हैं तो इससे आपको दोस्तों लाभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा दोस्तों बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि घर के लिए वास्तु से जुड़ी कुछ जानकारियां जो कि आपके आर्थिक संकट को दोस्तों खत्म कर सकती है, पैसों की तंगी को दोस्तों खत्म कर सकती है, किस्मत को दोस्तों बदल सकती है। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अगर आप तुलसी रखते हैं, रोज सुबह तुलसी को अगर आप जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उससे आपको दोस्तों काफी लाभ होता है। घर के संकट दोस्तों इससे दूर होते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी लगाने से परिवार में दोस्तों आत्मविश्वास दोस्तों बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि छत पर अगर तुलसी रखते हैं तो घर पर बिजली गिरने का दोस्तों भय नहीं रहता है। वास्तु दोषों से बचने के लिए घर में आप तुलसी लगाएं और उसकी अगर देखभाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि दोस्तों किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं और उसे घर से बाहर आकर दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आर्थिक तंगी के लिए अच्छा होता है, साथ ही आपकी किस्मत को दोस्तों बढ़ाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप जो घर में चलते हैं तो कभी भी आपको पैर घसीट कर नहीं चलना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप कहीं पर भी अगर एग्रीमेंट करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं तो ध्यान दें कि जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो खुद का ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट दोस्तों घर में फालतू सामान, टूटे फूटे फर्नीचर, कबाड़, बिजली का बेकार सामान आपको नहीं रखना है, अन्यथा आपके घर में जो शांति होती है दोस्तों वो दूर हो जाती है। घर में अगर तिजोरी है तो तिजोरी का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। रोज शाम को कुछ देर के लिए दोस्तों आपको अपने पूरे घर में रोशनी करनी चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, आप अगर अपनी किस्मत को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक बार पूरे घर में रोशनी जरूर करनी चाहिए। घर के हर कोने की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। अगर आप घर के सभी कोनों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर सफाई करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा में दोस्तों बढ़ोतरी होती है। घर में सुख शांति दिखाने वाले आपको सुंदर फोटो का दोस्तों इस्तेमाल करना चाहिए। और नेक्स्ट है दोस्तों अगर आपके घर में दीवारें जो हैं उनमें दरारें पड़ रही हैं तो उनको आप जल्दी से जल्दी बंद कर दें, उनको ठीक करवा दें, ये वास्तु दोस्तों को दोस्तों दरारें जो है वो बढ़ाती है। तिजोरी के दरवाजे पर दोस्तों हमेशा कमल के आसन में बैठी हुई महालक्ष्मी का आप अगर फोटो लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो दोस्तों ये थी वास्तु से जुड़ी कुछ जानकारियां जिसका आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।